नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में और मैं चेतना सिंह आपके साथ। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां दिनांक 11 को लाल गली में रहने वाला आरोपी देर रात महिला को अकेले पाकर उसके घर में घुसा और महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म कर फरार हो गया। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की गई, लेकिन आरोपी अपने घर पर ताला लगाकर भाग गया, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी सुरेश पर 5,000 का इनाम घोषित किया। तभी देर रात मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी क्षेत्र में ही घूम रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर आरोपी सुरेश को भागीरथपुरा पुल के नीचे से पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो किसी से पैसे लेने आया था। फिलहाल पुलिस आरोपी से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। थाना परदेशीपुरा में दिनांक 11 सितंबर को एक 47 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट लेकर कराई कि आरोपी सुरेश पिता कन्हैयालाल गोखरेले लाल गली द्वारा उसके साथ रात्रि में जब वो सो रही थी तो घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और किसी को न बताने के लिए जान से मारने की धमकी दी है। उस पर रिपोर्ट प्रकरण पंजीबद्ध किया गया उस रिपोर्ट पर। उसके बाद उसकी तलाश पड़ताल से अर्जी की गई। आरोपी का कहीं तलाश नहीं चली, घर में ताला लगा के चला गया था। आसपास परिजनों से भी पूछताछ पे पता नहीं चला। तो हमारे द्वारा एक पत्र भेजा गया जिसमें एसपी महोदय द्वारा 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया, जिसको आज हमारी टीम के उपनिरीक्षक शिवराज ठाकुर, आरक्षक रोशन यादव, आरक्षक तिवारी इनके द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया है और उसको प्रकरण में गिरफ्तार कर किया गया, जिसको माननीय न्यायालय पेश किया जाए। इसको भागीरथपुरा पुल के पास से गिरफ्तार किया गया, जो मुखबिर के द्वारा बताया गया था कि वो और कहीं जाने के फिराक में तथा पैसे लेने आया है। उक्त सूचना पर उसको गिरफ्तार किया गया है।